क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है आपकी बुक का जिसमें करंट एसेट्स गिवन है टू लैक इन्वेंट्री गिवन है फिफ्टी थाउजेंड प्रीपेड एक्सपेंसेस टेन थाउजेंड ट्रेड रिसबल वन लैख और करंट लाइब्रिटीज है सेवेंटी थाउजेंड तो हमें यहाँ निकालना है क्विक रेशियो क्विक रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो तो लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ये होता है आपका क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइब्रिटी अब क्विक एसेट्स आपको पता होने चाहिए क्विक एसेट्स क्या होते हैं क्विक एसिड्स होते हैं करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्रीज को हटा दिया जाता है माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इन दोनों एक्सपेंसेस को हटा दो इन दोनों करंट एसिड्स को हटा दो तो हमारे पास आ जाते हैं क्विक एसिड्स क्यों हटाया जाता है इसका लॉजिक देख लीजिए इन्वेंट्री इन्वेंट्री को करंट लिक्विड एसिड्स में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है बहुत जल्दी से ऐसा नहीं है कि गाड़ी को आपने दो दिन में ही बेच दिया ना तो इन्वेंट्री को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है सेम प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आप पहले से ही पे कर चुके हैं वो पैसा आपको दोबारा से नहीं मिलेगा ना आ, ऐसा थोड़ी ना आपने इनकम टैक्स एडवांस में पे कर दिया अब आप कॉल लगा रहे हो कि सर मैंने जो एडवांस है ना उसे वापस कर दो ना तो ऐसे वापस नहीं होगा तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैश में कन्वर्ट करना मुश्किल है तो इन्हीं दोनों को अब इन्वेंट्री में जैसे आपके आगे लूज स्टोर हो गया स्टॉक हो गया तो इसको भी आप लिक्विड में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होता इन द शॉर्ट टाइम पीरियड तो इसीलिए करंट एसेट्स में से हम इन दोनों एसेट्स को हटा देंगे तो हमारे पास आ जाते हैं क्विक एसेट्स क्विक एसेट्स मतलब जिन्हें आप बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है तो अब यहाँ पर आ, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसे हम यूज करते हैं करंट एसेट्स एसिड्स टू लैख लैक माइनस इन्वेंट्रीज हमारे फिफ्टी थाउजेंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस है टेन थाउजेंड तो सिक्सटी माइनस करोगे टू लैख से कितना आ जाएगा वन फोर्टी थाउजेंड करेंट लाइब्रिटीज हमारे क्वेश्चन में सेवेंटी थाउजेंड बस में पुट कर दीजिए तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक क्विक एसेट्स एसेट्स आए हमारे पास वन फोर्टी थाउजेंड By 70, 000, जो आप यहां से सॉल्व करेंगे तो रेशियो आ जाएगा टू इज टू वन किसी को कोई डाउट अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज आप एक आ, मुझे ड्रॉप कर देना मैं आपको जो भी डाउट्स होंगे उसे क्लियर कर दूंगी ठीक है Uh, सभी की जो नजरें होंगी वो सीधे स्मार्ट बोर्ड पर होंगी कोई इधर उधर नहीं देखेगा आई एम नॉट इन क्लास इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को सीरियसली ना समझें ठीक है प्रियांशु ध्यान uh, बोर्ड पर रहेगा आपका भी दीपांशु एंड uh, दक्ष प्रशांत आप सभी आगे वाली रूम में बैठेंगे फर्स्ट सीट पर ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्विक uh, एसेट्स हमारे पास गिवन है थ्री लैस इन्वेंट्री गिवन है एटी थाउजेंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्वेंटी थाउजेंड वर्किंग कैपिटल टू फोर्टी थाउजेंड यहाँ करंट रेशियो निकालना है तो अगर आपकी स्माइल बंद हो गई हो तो हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करें तो यहाँ पर हमारे करंट एसेट्स हमें निकालने हैं क्या होते हैं इसी फॉर्मूले का जस्ट अपोजिट कर दो करंट एसेट्स निकालने हैं इसको भी धर ले गए प्लस हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस को धर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा तो फॉर्मुला क्या बन जाएगा इसी फॉर्मूले से आप देखिए क्विक एसेट्स मैं इसको इधर लेके गई तो प्लस इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस को इधर लेके गए तो प्लस हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस क्विक एसेट्स कितने हैं कितनेट्री एटी थाउजेंड प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्वेंटी थाउजेंड कितने आ गए एट टू वन वन और थ्री फोर लैख की हो गई है आपके पास ठीक है अब मुझे चाहिए वर्किंग कैपिटल है मेरे पास करंट रेशियो क्या होता है सी अपॉन सी तो सी ए तो मैंने निकाल लिया मुझे क्या चाहिए सीएल करंट लाइबिलिटी तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मुला लगा लेते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है सीए माइनस सी एल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी तो ये है टू फोर्टी थाउजेंड इज इक्वल टू करंट एसेट्स हमारे पास कितने आ गए फोर लैख माइनस करंट लाइबिलिटी तो करंट लाइबिलिटीज निकाल लीजिए करंट लाइबिलिटीज फोर लेख में से टू फोर्टी तो सिक्सटी वन सिक्सटी थाउजेंड आगे आपके करंट लाइबिलिटी ठीक है फॉर्मुला पुट कर दीजिए तो करंट रेशियो का फॉर्मुला लगा लेते हैं हम करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स थे हमारे पास ये फोर लेक डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज आ गई है वन सिक्सटी थाउजेंड थ्री फोर जीरो से फोर जीरो कट गया सिक्सटीन और फोर्टी को काटोगे एट टू जा एट फाइव जा रेशियो क्या आ गया आपका फाइव इज टू तो टू ठीक है इसे और ज्यादा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा टू पॉइंट फाइव रेशियो वन ठीक है आपकी मर्जी आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं यहां पर भी छोड़ सकते हैं अगर बुक में ये ये आंसर आंसर है 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 तो तो तक कर तक करिए और अगर तो यहीं पे छोड़ दीजिए ठीक आई होप क्लियर होगा आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करंट एसेट्स गिवन है इन्वेंट्री गिवन है वर्किंग कैपिटल गिवन है क्विक रेशियो निकालना है तो मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है करेंगे आप और आप ये करके मुझे शेयर करेंगे अपना आंसर कि आपने किया है या नहीं आप ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूं आप नोटबुक में करेंगे और नोटबुक मुझे शेयर करेंगे ठीक है तो करंट एसेट्स गिवन है हमारे हमें क्विक रेशियो निकालना है तो पहले इसके लिए क्या चाहिए हमारे पास क्विक एसेट्स तो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लैब्रिटी हमारा फॉर्मूला होता है तो क्विक एसेट्स निकाल लेते हैं क्विक एसेट्स क्या होते हैं करंट एसेट्स यस आप बताइए इन्वेंट्री जोर से बोलना है ताकि बाकी पता चले कि हाँ, क्लास चल रही है इनकी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस ठीक है अब यहां पर आ जाते हैं हम करंट एसेट्स कितने हैं एसे माइनस इन्वेंट्री कितनी है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है प्रीपेड एक्सपेंसेस कहीं दिखाई दी आपको क्वेश्चन में हाँ दक्ष कहीं दिखाई दी दक्ष एब्सेंट हो तो कोई और उसकी जगह आंसर दे देना प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है तो जीरो लाख में से वन ट्वेंटी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहां से आ जाएगा एट्टी टू फोर एटी थाउजेंड ठीक है क्योंकि आपके पास सी एल आ जाएगा जब सी एल आ जाएगा तो आप रेशियो में पुट uh, कर सकते हैं फॉर्मुले में वैल्यूज पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है अच्छा एक चीज और अगर आपको कोई फ्री पीरियड होता है तो गर्ल्स या बॉयज जिसको भी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं वो एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे ठीक है तो इन्वेंट्री हमें इस क्वेश्चन में हमारे पास करंट गिवन है क्लाइबिली फाइंड आउट करनी है करंट रेशियो हमारे पास है लिक्विड रेशियो हमारे पास है लिक्विड रेशियो वन इस टू वन कौन सा रेशियो होता है ये निगम ने आंसर दिया होगा आइडियल रेशियो करंट रेशियो थ्री इज टू वन आइडियल रेशियो क्या होता है हाँ कुछ गर्ल्स ने भी आंसर दिया होगा इस बार टू इस ये आइडियल रेशियो होता है ठीक है अच्छा चलिए इन्वेंट्री निकालनी है हमें अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले मेरे पास गिवन है करंट कितने हैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्या होता है सी ए अपॉन सी एल मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सी एस इंटू वन कितना हो गया सी एज इक टू थ्री इंटू सी एल क्या बन गया थ्री सी एल फर्स्ट इक्वेशन लिक्विड रेशियो की है लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला रख दीजिए लिक्विड रेशियो क्या होता है क्विक या लिक्विड अपॉन करंट लाइबिलिटी ठीक है अब यहां से हम लिक्विड uh, एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन सीएन यही होता ना, है ना लिक्विड एसेट्स है ना अब इसमें हम आगे सॉल्व करते हैं करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल दीजिए सीएल हमारे पास है तो सी एज इक्ट थ्री इन टू सी एल सी एल की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 6 ,00 ,00. तो 6 ,00 ,00 आप जब करेंगे जाएगा एटीन लैख ठीक है एटीन लैक आ गया अब यहां इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम तो लिक्विड रेशियो कितना था हमारा वन इज टू वन तो वन अपॉन वन इज इग्व टू सी ए कितना है एटीन लैख माइनस इन्वेंटरी नहीं पता तो इन्वेंटरी को ऐसे ही लिख देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस जीरो गिवन नहीं है ठीक है डिवाइडेड बाय सीएल करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितनी है क्वेश्चन में सिक्स लाख सिक्स लाख जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से यहां मल्टीप्लाई इधर से इधर मल्टीप्लाई 6 वन जैसे 6 तो 6 लाख इज इक्वल टू सेम आ जाएगा 18 लाख माइनस इन्वेंट्री आई होप आगे आप कर सकते हैं इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल सकते हैं तो इज इक्वल टू एटीन सिक्स हो जाएगा कितना आ गया ठीक है आई होप सभी का ये आंसर आया होगा अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चंस जो भी आपके डाउट होंगे वो पूछ सकते हैं आई होप क्वेश्चंस आपको क्लियरली विजिबल है एंड बेटा मजाक की बात नहीं है अगर मैं वहाँ कॉपी चेकिंग करने के बाद भी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मन लगाकर पढ़िए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए हमें सिलेबस को भी टाइम पर खत्म करना होगा ठीक है तो ऐसा नहीं है आप टाइम वेस्ट करते हुए चलें तो करंट रेशियो है गिवन क्वेश्चन में थ्री पॉइंट फाइव रेशियो वन क्विक रेशियो टू इस टू वन इन्वेंट्री ट्वेंटी फोर थाउजेंड है करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स हमें निकालने हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन सेम जैसे पहले हमने किया है उसी के जैसे है थोड़ा बहुत चेंज है तो मैं बता देती हूं बट क्वेश्चन वैसा ही है करंट रेशियो क्या है थ्री पॉइंट फाइव रेशियो वन करंट रेशियो क्या होता है सी ए अपॉन सी एल इतना तो आप सबको समझ में आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए इंटू वन सी एजिकल टू कितना गया थ्री पॉइंट फाइव सी एल ठीक है यहां तक तो कोई डाउट नहीं क्विक रेशियो पर आ जाते हैं क्विक रेशियो क्या होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी क्विक इसे क्या है ये रेशियो टू इज टू वन इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहां से आ जाएगा क्विक एसेट्स इज इक्वल टू टू इन टू सी एल यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को नहीं अब क्विक एसेट्स क्या होते हैं हमारे क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्रीपेड नहीं है तो प्रीपेड को हम छोड़ सकते हैं ठीक है टू सी एल करंट एसेट कितने हैं? है? हमारे पास कितने है? Question में? 24, अब इसे ले आते हैं इसे इधर लेके जाते हैं ट्वेंटी फोर को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो गया ट्वेंटी फोर थाउजेंड इज इक टू थ्री पॉइंट फाइव सी एल और टू सी एल इधर आके माइनस हो गया टू सी एल ठीक है आई होप ये सारे मैथ्स वाले फिगर्स आपको क्लियर हो रहे होंगे तो यहाँ से जब हम करेंगे ट्वेंटी फोर थाउजेंड इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव माइनस टू कितना बचेगा CL. CL वैल्यू निकाल लेते हैं तो वन पॉइंट फाइव से डिवाइड हो जाएगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फाइव इसे डिवाइड करेंगे जीरो अब इसे आप काटेंगे तो थ्री फाइव जा वन टू थ्री फोर चार जीरो हो गए फाइव सिक्सटीन सिक्सटीन एक दो तीन थाउजेंड आ गए आपके करंट लाइबिलिटीज ठीक है सीएल कितने आ गए आपके पास सिक्सटीन थाउजेंड करंट एसिड्स निकाल सकते हैं यहाँ से थ्री पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर दो तो करंट एसिड्स आ जाएंगे सिक्सटीन थाउजेंड इंटू थ्री पॉइंट फाइव अब मल्टीप्लाई करके आप देख लेना आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये काम आपका राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करंट रेशियो है फोर पॉइंट फाइव रेशियो वन क्विक रेशियो थ्री रेशियो वन इन्वेंट्री थर्टी सिक्स थाउजेंड करंट एसेट्स करंट क्लैबिटीज निकालनी है तो सेम क्वेश्चन है जैसा भी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी किया है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार फिर से देख लेना कैसे हमने सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरह है तो दिस इज फॉर योर होमवर्क होमवर्क डायरी में लॉग बुक में मेंशन करा लेना मैम से ठीक है इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू करंट रेशियो है फोर इसे आप फोर इंस टू वन बना सकते हैं ठीक है ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती लिक्विड रेशियो है टू पॉइंट फाइव इसे भी टू पॉइंट फाइव रेशियो वन आप लिख सकते हैं इन्वेंट्री है सिक्स लैख फिर से करंट एसेट्स निकालना है करंट लैबिलिटीज निकालनी है और लिक्विड एसेट्स निकालने हैं तो करंट एसेट्स करंट लैबिलिटीज सेम ऐसे ही निकालेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में किया है नहीं आया समझ में फिर से एक बार देख लेना पॉज करके आ बड़े बच्चे स्मार्ट बोर्ड चलाना आता है पॉज कर लेना वापस से एक बार फिर से देख लेना ठीक है करंट एसिड्स करंट लेबिलिटी आपको यहां से निकालना आ जाएगा कैसे निकाला था अब बचता है लिक्विड एसिड्स लिक्विड एसिड्स को भी हाँ मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास के बहुत अच्छे हैं उन्होंने बोल दिया होगा मैम कर लेंगे वेरी गुड प्राउड ऑन यू प्राउड ऑफ यू तो अच्छी बात है आप लोग कर लेंगे फिर भी मैं बता देती हूँ क्या है करंट एसे माइनस प्रीपेड इन्वेंट्री। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस माइनस क्वेश्चन में नहीं है तो इट इज इन्वेंट्रीपेडर्ड एज जीरो इन्वेंट्री कितना है सिक्स लैख तो जब आप करंट एसेट्स निकाल लेंगे उसमें से सिक्स लैख माइनस कर देना आपके पास लिक्विड एसेट्स आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी हद तक सेम है बहुत सारे बच्चे आप में से कर भी लेंगे फिर भी मैं इस क्वेश्चन को कर देती हूँ ठीक है करंट लाइबिलिटी है करंट रेशियो लिक्विड रेशियो रेशियो आइडियल करंट एसेट्स निकालना है लिक्विड एसेट्स निकालना है इन्वेंट्रीज निकालनी है बेटा हमेशा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो ना गिवन को उठा लो जो जो चीज आपको दी है ना बस उन्हीं को उठा लो उठाने का मतलब किडनेप करना नहीं बोल रही हूं मैं अच्छा चलो ठीक है करंट रेशियो क्या था हमारे पास सी ए अपॉन सी एल करंट रेशियो कितना है थ्री इज टू वन लिख सकती हूँ बिल्कुल लिख सकते हैं तो करंट रेशियो यहाँ से कितना आ गया थ्री सी एल आ गया समझ में सौरभ आपको आया समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना अब आ जाते हैं लिक्विड रेशियो की तरफ लिक्विड रेशियो क्या होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज कितना है ये वन अपॉन वन यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू सी एल मतलब जितना भी लिक्विड एसिड्स होगा उतना ही हमारी करंट लाइब्रिटीज है तो करंट मेरे क्वेश्चन में है तो मेरे पास लिक्विड एसिड्स आ गए लिक्विड लिक्विड कितने हो गए मेरे पास क्योंकि लिक्विड करंट लाइब्रिटी के बराबर थी ठीक है ये आ गया समझ में लिक्विड एसिड्स आ गए करंट एसिड्स और इन्वेंट्री हमें निकालनी है ठीक है तो करंट एसिड्स क्या होते हैं लिक्विड एसिड्स माइनस इन्वेंट्रीज ठीक है तो करंट एसेट्स भी निकाल सकते हैं आप क्योंकि करंट लाइबिलिटी मेरे पास है तो इनटू अगर मैं थ्री का 150, में कर दूं तो मेरे पास करंट जा फोर्टी फाइव फोर लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड साढ़े चार लाख ठीक है वैल्यू पुट कर दो ये कितने आ गए फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड लिक्विड एसेट्स कितने थे डेढ़ लाख माइनस इन्वेंट्री आगे का काम तो आप आराम से कर ही लेंगे इन्वेंट्री को इधर ले जाओ फोर फिफ्टी को इधर ले आओ अच्छा बहुत सारे बच्चों ने गलती पकड़ ली होगी पकड़ ली होगी तो बहुत अच्छी बात है ये क्या होता है प्लस ठीक है अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए टीचर के ऊपर एक बार लिख दिया तो ऐसा है। नहीं है वो हमेशा सही होगा हमसे भी गलती हो सकती है हम भी इंसान है तो लिक्विड एसिड्स प्लस इन्वेंट्री था अब हमें निकालना है फोर फिफ्टी थाउजेंड तो इसे इधर ले जाओ फोर फिफ्टी माइनस वन फिफ्टी तो कितना आ जाएगा तीन लाख ,00 क्या आ गया ये इनवेंट्री तो हमारे पास सारी चीजें आ गई देखिए चेक करिए करंट एसेट्स निकाल लिया लिक्विड एसेट्स निकाल लिया निकाल ली सारी चीजें आ गई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हैं मैं हिंट आपको दे देती हूँ लिक्विड रेशियो गिवन है तो सेम ऐसे ही लिक्विड रेशियो करके लिक्विड एसेट्स आप निकाल सकते हैं करंट रेशियो गिवन है करंट रेशियो से आप करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी आपको निकाल सकते हैं ठीक है फिर लिक्विड एसिड्स का फॉर्मूला यही वाला पुट करना आपके पास इन्वेंट्री है तो आप सॉल्व कर सकते हैं बोल रहे है, मैम ने क्या हवा में बोल दिया सब कुछ हाँ कर लोगे पक्का नहीं कर पाओगे अच्छा चलो बता ही देती हूँ लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी कितना है टू पॉइंट फाइव अपॉन वन यहाँ से आप करेंगे तो लिक्विड एसिड्स आपके आ गए टू पॉइंट फाइव सी एल ठीक है अब ले लेते हैं हम करंट रेशियो करंट रेशियो क्या होता है सी ए अपॉन सी एल फोर अपॉन वन यहाँ से करेंगे तो करंट एसिड्स आ गया फोर सी एल ठीक है करंट एसिड्स क्या होता है करंट एसिड्स होता है लिक्विड एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड प्रीपेड है नहीं तो जीरो मानेंगे तो करंट एसेट्स कितना आया फोर सी एल लिक्विड एसिड्स कितना था टू पॉइंट फाइव सी एल इन्वेंट्री कितनी है सिक्स लेख इसे इधर लेके चले जाइए और इसको इधर ले आइए फिर माइनस प्लस बेटा प्लस बार बार गलतियां नहीं करना ठीक है तो इसको इधर लेके जाएंगे हम फोर माइनस टू पॉइंट फाइव कितना आएगा वन पॉइंट फाइव पक्का कितना आया सिक्स लैख सी एल करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर लैख ,00 एक बार कैलकुलेशन कर लेना फोर लैख या फोर्टी थाउजेंड ठीक है तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सेम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री जो आपने अभी तक करे हैं उन्हीं क्वेश्चंस के जैसा है ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है नहीं होगा तो मुझे बता देना मैं कर दूंगी बट एटलीस्ट आप लोग ट्राई करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है टिपिकल नहीं है डिफिकल्ट नहीं है बट हाँ थोड़ा सा चेंज है अच्छा प्रियांशु आपने बोला था ना बहुत डिफिकल्ट है चैप्टर कैसा लग रहा है डिफिकल्ट लग रहा है कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा अभी तक इजी है ना ओके okay, तो वर्किंग कैपिटल क्या था हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अब हमारे पास यहाँ देखिए टोटल डैप दे रखे हैं लॉन्ग टर्म डैप दे रखे हैं तो टोटल डेट से अगर मैं लॉन्ग टर्म डेट हटा दू तो मेरे पास क्या बचेगा शॉर्ट टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट को एस को क्या बोलते हैं करंट लाइबिलिटी ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था इसको क्या बोला जाता है करंट लाइबिलिटी तो करंट लैबिटी आप यहां से निकाल सकते हैं कैसे निकाल लेंगे माइनस सिक्स हटा देंगे इसमें से तो कितना बचेगा एक लाख अस्सी हजार यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को हो गया क्लियर अब हमारे पास क्या है वर्किंग कैपिटल गिवेन है तो हम करंट एसेट्स निकाल सकते हैं वर्किंग कैपिटल है थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड इज टू सी ए नहीं पता करंट लाइबिलिटी निकल गई एक लाख अस्सी हजार इसे इधर ले आइए प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा आठ छः चौदह तीन चार एक पाँच फाइव फोर्टी थाउजेंड क्या आ गया ये मेरे पास करंट एसेट्स ठीक है इसे इधर ले गए प्लस हो गया करंट एसेट्स आ गया आपके पास थ्री सिक्सटी थाउजेंड प्लस वन एटी थाउजेंड फाइव फोर्टी थाउजेंड करंट एसेट्स भी आ गए अब हमारे पास क्या निकालना है हमें लिक्विड रेशियो तो इसके लिए लिक्विड एसेट्स की जरूरत होगी लिक्विड निकाल लेते हैं करंट एसेट से अगर मैं इन्वेंट्री हटा दूं और प्रीपेड हटा दूं तो लिक्विड जाता है प्रीपेड नहीं है तो जीरो कर लेंगे करंट एसेट्स कितने आ गए पांच लाख चालीस हजार में से अगर मैं एक लाख अस्सी हजार हटा दूं तो कितना आएगा सिक्स थ्री सिक्सटी पक्का देख लेना एक बार अब लिक्विड रेशियो निकाल दो लिक्विड एसेट्स अपऑन करंट लाइब्रेरी निकाली थी हमने यहाँ वन एटी कितना आ गया टू टू वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्विक रेशियो गिवन है आपके पास टू टू वन अलग अलग सिचुएशन आपके क्वेश्चन में और इनका इफेक्ट बताना है हमें क्विक रेशियो के ऊपर क्या होगा ठीक है तो फर्स्ट कर लेते हैं फर्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश सामान खरीदे कैश में ठीक है कैश जाएगा पैसा गया सामान आया इन्वेंट्री आ गई ठीक है इन्वेंट्री बढ़ गई कैश कम हो गया इन्वेंट्री को हम क्या पढ़ रहे हैं हैं इसे करते तो तो इसका तो कोई इफेक्ट हम दिखाएंगे नहीं किसका इफेक्ट दिखाएंगे कैश का कैश कम हो रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है आपका क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी कितना था ये टू इस टू वन क्विक एसेट्स हमारे कम हो गए है ना कैश कम हो रहा है तो ये कम हो गए फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कम कर दू टू से इसको कर दू, पे तो कोई नहीं नहीं, नहीं, रहा, क्योंकि उधार कुछ है है, मेरी बढ़ी ही नहीं, हमने तो कैश की है, तो लाइब्रिटी वही है क्या बन गया मेरा टू तो एसेट्स मेरे कम हुए हैं अगर हम सामान कैश में परचेस करते हैं तो कैश मेरा कम होगा इन्वेंट्री बढ़ेगी लेकिन इन्वेंट्री का तो कोई यूज है ही नहीं कर, एसेट्स में कैसेट में हम इन्वेंट्रीज को तो माइनस करते हैं तो ये तो हट गया बचा कैश कैश को भी माइनस करना है तो अगर मैं टू में से कुछ भी माइनस कर दू तो ये कम होगा और रेशियो जहां अभी था टू इस वन वो रेशियो कम हो जाएगा हमारा वन इज टू वन लगा लो वन पॉइंट फाइव मतलब कुछ भी आप टू में से कम करोगे तो रेशियो तो कम हो गया ना तो इसका इफेक्ट क्या आएगा रिड्यूज की रेशियो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा रिड्यूज हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट क्रेडिट उधार खरीद है तो मेरे पास फिर से इन्वेंट्री आई स्टॉक बढ़ गया मेरा है ना सामान आया है और उधार खरीदा है तो क्रेडिटर्स बढ़ गए ठीक है उधार खरीदा है तो क्रेडिटर्स बढ़ गए इन्वेंट्री को हम एक्सक्लूड करते हैं तो इसका रिजल्ट मुझे नहीं दिखाना बचा क्या है मेरे पास क्रेडिटर्स ये बढ़ रहे हैं पहले पास मेरे पहले मेरे पास रेशियो था टू अगर मैं लाइब्रिटीज को बढ़ा दूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कर दूँ टू लाइब्रिटीज को बढ़ाना है मुझे केवल लाइब्रिटीज को बढ़ाना था एसिड सेम है हमारे एस, सेम है टू का टू है क्योंकि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा लाइब्रिटीज मेरी बढ़ गई तो लाइब्रिटीज को मैंने वन से टू कर दिया रेशियो क्या आ गया मेरा वन इज टू वन पहले रेशियो क्या था टू इज टू वन तो अभी भी रेशियो क्या हुआ रिड्यूस या फिर डिक्रीज क्योंकि मेरी लाइब्रेटी बढ़ी है लाइब्रेटी को अगर मैं बढ़ाऊंगी तो रेशियो मेरा कम हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स है ना सेल किया है बीस हजार का सामान था बीस हजार में ही बेच दिया बीस हजार का था उसकी कॉस्टिंग और बीस हजार में ही बेचा है तो पैसे आएंगे कैश बढ़ेगा अगर मैंने सामान बेचा है तो मेरे पास पैसे आए और सामान गया इन्वेंट्री चली गई इन्वेंट्री रिड्यूस हो गई अब फिर से हम क्या पढ़ रहे हैं ये क्विक रेशियो क्विक एसेट इन्वेंट्री का तो इफेक्ट मुझे दिखाना ही नहीं बचा क्या मेरे पास कैश कैश बढ़ रहा है मतलब मेरे पास एसेट बढ़ गए अभी जो मेरे पास एसेट थे दो रुपए के लाइब्रेटी थी एक रुपए की वो एसेट मेरे बढ़ गए फॉर एग्जाम्पल एक रुपए से बढ़ गए तो मैं एक रुपए से एसेट बढ़ा दू लाइब्रिटी सेम है तो मेरे पास रेशियो क्या गया थ्री इज वन पहले रेशियो क्या था टू इस टू वन तो रेशियो क्या हुआ इम्प्रूव हो गया ठीक है रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट भी सेम है सेल कॉस्टिंग जो थी हमारे गुड्स की वो थी बीस हजार और बेचा था वो बाईस हजार में ठीक है तो मेरे पास जो कैश आया पैसे आ गए मेरे पास बाईस हजार रुपये और इन्वेंट्री मेरे पास से चली गई बीस हजार की इन्वेंट्री का तो मुझे कुछ दिखाना ही नहीं है ठीक है तो इसको तो बिल्कुल हटा दो आप इसको तो दिखाना ही नहीं है कैश बढ़िया बाईस हजार से पहले एसेट कितने थे दो रुपए के लाइब्रिटी एक कैश बढ़िया बाईस हजार तो इसमें अगर मैं बाईस हज़ार एड कर दूँ यहाँ वन कितना हो गया चौबीस हजार के एसे ट्वेंटी फोर रेशियो क्या हुआ इम्प्रूव ठीक है आपको रीजन के साथ लिखना है मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगी रीजन के साथ नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स हो गए मेरे कैश आ रहा है कैश बढ़ा और मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए डेटर्स कम हो गए है ना या बिल्स रिसीवेबल कम हो गए कैश आया ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए दोनों ही चीजें मेरे पास क्या है ये करंट एसेट्स ठीक है तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कैश आया दो रुपए और ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए दो रुपए से ही ठीक है टू मैंने मान लिया कि दो रुपए से कैश आया और दो के मेरा उधार कम हो गया डेटर्स कम हो गए तो मेरे पास जो क्विक रेशियो था, टू टू था दो रूपए से कैश बढ़ गया एसेट बढ़ गए और दो रूपये तो से तो एक बार दो रूपये बढ़ रहे हैं एक बार दो रूपये कम हो रहे हैं क्या आ गया फिर से रेशियो टू इज टू वन पहले क्या था टू इज टू वन तो यहाँ क्या होगा नो चेंज नो इफेक्ट ठीक है कोई चेंज नहीं आएगा इसे आप एक बार फिर से देख लीजिए यहां से था हमारा परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश अच्छा इसके लिए एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता दू ये है टू इज टू वन ठीक है अगर मैं नुमरेटर ये है नुमरेटर होता है हमारा ये डिनोमिनेटर होता है आई होप सभी को पता होगा ये नुमरेटर और ये डिनोमिनेटर नुमरेटर को अगर मैं बढ़ा दू दो से इसे मैं कर दू तीन और डिनोमिनेटर सेम है रेशियो क्या होता है इम्प्रूव ठीक है अब इसका मैं उल्टा कर दूं। अगर न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशियो इम्प्रूव होता है ठीक है अब अगर मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा दूं, टू न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर वन की जगह मैंने कर दिया टू रेशियो क्या हो गया वन इंस तो टू वन तो रेशियो क्या हो गया से क्या हो गया वन इंस टू वन मतलब रेशियो क्या हो गया डिक्रीज तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो रेशियो क्या हो जाता है डिक्रीज ये चीजें मैं समझा रही हूँ आपको तो आपको ये ऐसे एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप यहीं से समझ लेंगे ठीक है तो अगर नोमरेटर बढ़ता है तो रेशियो इंप्रूव होता है अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो रेशियो डिक्रीज हो जाता है ठीक अब अगर दोनों बढ़ जाए नमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बढ़ जाए इधर कर लेते हैं हम साइड में नमरेटर है दो दो को मैं कर देती हूँ तीन डिनोमिनेटर था एक एक को मैं कर देती हूँ दो तो कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव रेशियो वन ठीक है अगर दोनों बढ़ जाए तो भी रेशियो क्या होता है रेशियो अगर डोनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बढ़ा दें तो रेशियो क्या होता है आपका रेशियो आपका कम हो जाता है रेशियो आपका डिक्रीज हो जाता है चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको मैं दो की जगह कर देती हूँ चार दो बढ़ा दिए इसमें भी दो बढ़ा दिए तो कितने हो गए तीन यहां से करेंगे तो थ्री वन जा थ्री वन फोर थ्री थ्री जा पॉइंट समथिंग कुछ है पहले ऋषि क्या था टू इस टू वन अब ऋषि क्या हो गया वन पॉइंट थ्री टू वन इसका मतलब अगर नुमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम बढ़ा दे दोनों पर दोनों इंप्रूव हो रहे हैं तो रेशियो आपका डिक्रीज हो जाता है ठीक है अगर कोई कैसेट्स और करंट लेबिलिटी दोनों बढ़ रही है तो रेशियो आपका डिक्रीज होगा ठीक अब दोनों को कम करके देख है। लेते हैं नमरेटर हम मान लेते हैं थ्री और डिनोमिनेटर को हम मान लेते हैं टू दोनों को एक एक कम कर दो ये हो योग्या टू गया वन ठीक है दोनों मैंने कम कर दिए नोमिनेटर को माइनस वन डिनोमिनेटर को माइनस वन किया थ्री माइनस वन टू टू माइनस वन वन तो रेशियो क्या हो गया आपका इम्प्रूव तो रेशियो इम्प्रूव हो जाता है इंक्रीज हो जाता है अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसे हम कर देते हैं फाइव रेशियो थ्री ठीक है फाइव पॉइंट थ्री दोनों को कम कर दो माइनस वन माइनस वन कितना हुआ फोर अपॉइन टू रेशियो क्या हो जाएगा आपका टू इज टू वन पहले रेशियो क्या था फाइव पॉइंट थ्री फाइव रेशियो थ्री था फाइव रेशियो थ्री को अगर हम आ, और आ, कम कर दें या और इसे सॉल्व करें तो कितना जाएगा one point six, ratio one. तो अब कितना हो गया टू इज टू वन तो रेशियो तो क्या हो रहा है इम्प्रूव ठीक है फिर से एक बार देख लीजिए फिर से मैं लिख देती हूँ अगर केवल न्यूमरेटर इंक्रीज होता है तो रेशियो इम्प्रूव होगा अगर केवल डिनोमिनेटर इम्प्रूव होता है तो रेशियो डिक्रीज होगा अगर दोनों इंप्रूव होते नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इम्प्रूव होते हैं तो रेशियो कम होता है डिक्रीज होता है अगर दोनों कम हो जाएं तो रेशियो इम्प्रूव हो जाता है अपोजिट ठीक है तो रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा ठीक ये चीजें आपको याद रखनी है अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन को बिना एग्जाम्पल के साथ भी आप कर सकते हैं तो इसको नोट कर लेना अपनी डायरी में कलर शीट पर डायरी नहीं सॉरी नोटबुक में कलर शीट पर ठीक है आप लोग नोट कर लेंगे अच्छा ये मैं फिर से आपको समझा देती हूँ परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश कैश में गुड्स को खरीदा है कैश बढ़ेगा इन्वेंट्री बढ़े कैश जाएगा इन्वेंट्री बढ़ेगी तो कैश कम हो रहा है कैश क्या था हमारे पास क्विक कैसेट्स क्विक कैसेट्स कम हो रहे हैं ठीक है नमरेटर कम हो रहा है नुमरेटर रिड्यूज हो रहा है तो नुमरेटर जब रिड्यूज होगा अच्छा केवल हमने एक एक की पोर्शन लिया है इसका दूसरा दूसरा और कर लेते हैं ठीक है ये मैंने ये भी डाल दिया है इसका अपोजिट ठीक है फर्स्ट टू का अपोजिट नुमरेटर इंक्रीज हो रहा था तो रेशियो क्या हो रहा था इंक्रीज तो इंक्रीजरेटर डिक्रीज होगा तो रेशियो भी क्या होगा डिक्रीज ठीक है डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज हो रहा था तो रेशियो डिक्रीज हो रहा था डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाएगा तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा तो नुमिनेटर और रेशियो इन दोनों का रिलेशन क्या है डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना नुमरेटर बढ़ता है तो रेशियो बढ़ता है नुमरेटर कम होता है तो रेशियो भी कम होता है ठीक है और डिनोमिनेटर का रेशियो डिनोमिनेटर का रिलेशन रेशियो के साथ नेगेटिव होता है इनवर्स होता है इनवर्स रिलेशन डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो कम हो जाएगा डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशियो बढ़ जाएगा ठीक है ये आपकी बुक में कहीं नहीं मिलेगा आपको यह आप नोट कर सकते हैं और नोटबुक में जरूर लिखना है आपको ये ठीक है वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पर इसके बाद था परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इन्वेंट्री बढ़ रही है और आपकी लाइब्रेटीज बढ़ गई ठीक है इन्वेंट्री बढ़ रही है लाइब्रिटीज बढ़ रही है तो स्टॉक पर तो कोई क्विक एसेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा लेकिन लाइब्रेटीज मतलब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो रेशी क्या हो जाएगा रिड्यूस ठीक है रिड्यूस सेल ऑफ गुड्स कैश बढ़ रहा है इन्वेंट्री कम हो रही है इन्वेंट्री को छोड़ दीजिए अवॉइड करिए कैश बढ़ रहा है एसेट बढ़ गए गएर बढ़ रहा है numerator बढ़ रहा है तो रेशियो क्या होगा इम्प्रूव फिर सेल था numerator बढ़ रहा है रेशियो क्या हो जाएगा इम्प्रूव इसके बाद था कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर नोमरेटर बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है नोमरेटर पर इफेक्ट पड़ रहा था इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है तो रेशियो क्या था नो चेंज नो इफेक्ट ठीक है आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट एंड ट्वेंटी नाइन इसी के ऊपर बेस्ड हैं तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क होंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी की बात करेंगे अभी तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है आप इसको याद रखिए आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है अगर आपको ये क्लियर है तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी था इसमें इन्वेंट्री है आपके पास थ्री लैख फिर भी अगर आपको लगता है ना आपको कोई डाउट है तो मुझे बता देना ठीक है यहाँ पे लिक्विड एसेट्स दिए हैं ट्वेल्व लैख बारह लाख क्विक रेशियो गिवन है टू इस हमें निकालना तो, uh, है करंट रेशियो ठीक है तो लिक्विड एसेट्स दिए हैं क्विक रेशियो दे रखा है तो क्विक रेशियो जो दे रखा है उससे स्टार्टिंग करते हैं क्या होता है लिक्विड अपॉन सी एल करेंट लाइबिलिटी क्या दे रखा था, ये सॉल्व करेंगे तो लिक्विड लिक्विड मेरे पास है CL निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा टू से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सीएल आ जाएगा तो सीएल निकालने के लिए लिक्विड एसेड्स बारह लाख को आप टू से डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा ये छह लाख ठीक है ये आ गया आपके पास करंट लाइबिलिटी अब करंट एसिड्स uh, अगर मुझे निकालने हैं तो कैसे आते हैं लिक्विड एसिड्स प्लस इन्वेंट्री लिक्विड एसिड्स कितने बारह लाख प्लस तीन लाख अगर मैं करती हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास बारह और तीन पंद्रह लाख पंद्रह लाख के आ गए करंट एसिड्स करंट एसेट्स मेरे पास आ गए करंट लाइबिलिटी मेरे पास आ गई रेशियो में रखिए आंसर आ जाएगा आपके पास ठीक है तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे लिक्विड रेशियो हमारे यहाँ पे खत्म होता है फिर इसके बाद आएगा डेट इक्विटी रेशियो तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन हो गए होंगे क्लियर अगर मैं कर सकती हूँ मैंने इतना टाइम लेके आपको कराया है आपका पूरा पीरियड हो गया होगा इस इस सारे क्वेश्चन में मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको अच्छे से समझाऊं कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं